हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जारवेस कैंपस हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे जो प्रिंट कल्चर था उसकी खुद की हिस्ट्री है वो ईस्ट एशिया से स्टार्ट हुआ था और ईस्ट एशिया में भी चाइना से स्टार्ट हुआ था हमने देखा कि कैसे चाइना में जो प्रिंट कल्चर था वो हैंड प्रिंटिंग प्रेस से स्टार्ट हुआ था और फिर लेट नाइनटीन सेंचुरी में जब वेस्टर्न पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए तो ये हैंड प्रिंटिंग ब्लॉक से शिफ्ट हो गया मैकेनिकल प्रेस में आज के इस लेक्चर में ये देखने वाले हैं कि कैसे जापान में ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पहुँची और कैसे वहाँ पर डेवलप हुई तो चलिए देखते हैं तो हुआ क्या था कि 1768 एडी से लेके 1770 एडी के बीच में जब बुद्धिस्ट मिशनरीज चाइना से जापान आए तो वो अपने साथ हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लेके आए और उन्होंने जापान में इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया और लोगों को सिखाया भी कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे इससे यूज़ करके चीज़ों को प्रिंट किया जाता है जापान की जो ट्रेडिशनल बुक है द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा इसको भी इसी टेक्नोलॉजी से प्रिंट किया गया है इस बुक में सिक्स शीट्स ऑफ पेपर हैं और इस बुक्स में वुडन आर्ट इलस्ट्रेशन भी बनाए गए हैं वुडन आर्ट इलस्ट्रेशन क्या होते हैं तो आप देख सकते हो कि ये एक पेप, एक वुड के जो ब्लॉक होता है उसके ऊपर यू नो एक स्ट्रक्चर बनाया गया होता है जो उभरा हुआ जैसा लगता है इसको वुड ब्लॉक इलास्ट्रेशन कहते हैं अब ये जो बुक है बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र इस ये ओल्डेस्ट जापानीज बुक्स में आती है और इसको बनाया गया था 1868 सिक्सटी में यानी प्रिंट किया गया था तो आप सोच सकते हो कि कितने पहले ही जापान में प्रिंट कल्चर आ गया था अब जापान के जो लोग थे वो काफ़ी क्रिएटिव थे और वो कई और जगह प्रिंटिंग कल्चर को यूज़ कर रहे थे वो प्रिंटिंग कल्चर यूज़ करने लगे टेक्सटाइल्स पर यूज़ करने लगे प्लेइंग कार्ड्स पर पे, और पेपर मनी भी वो प्रिंटिंग कल्चर के जरिए बनाने लगे थे और इस तरह से जापान में भी प्रिंटिंग कल्चर डेवलप होने लगा और मिडिवल पीरियड के दौरान ये जापान में प्रिंटिंग कल्चर था और भी ज़्यादा डेवलप हो गया ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई सारे जो पोइट्स थे जो राइटर्स थे वो भी अलग अलग टॉपिक्स पे अपनी जो बुक्स थे वो पब्लिश करने लगे जिसकी वजह से जापान में प्रिंटिंग कल्चर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया इसके अलावा अब जापान में प्रिंटिंग कल्चर का एक और ट्रेडिशन डेवलप हो रहा था लोग जो थे वो आसपास की जो चीज़ें देख रहे थे जो विजुअल्स देख रहे थे उसी चीज़ को वो प्रिंट कर रहे थे जैसे कोई ओकेशन हो गया या कोई फेस्टिवल हो गया या कोई मॉर्निंग सीन हो गया इन सारे विजुअल्स को वो क्या कर रहे थे वो प्रिंटिंग में डेवलप कर रहे थे या कन्वर्ट कर रहे थे अब जो इस तरह की विजुअल्स पेंटिंग्स थी इन सब का एक यू नो इन सब का एक कलेक्शन बनाया गया और लेट एटीन सेंचुरी में जापान की एक बहुत फेमस जो सिटी थी वो डेवलप हो रही थी जिसका नाम था ईडो जिसको प्रेजेंट प्रजेंटेड टोक्यो कहा जाता है वहाँ पर इसका पूरा एक कलेक्शन लगाया गया उस कलेक्शन में कई डिफरेंट तरीके की पेंटिंग्स थी जिसमें आर्टिस्ट थे जिसमें अर्बन कल्चर टी गैदरिंग आर्टिशियंस और कोर्ट के कई सारे जो सीन थे वो बनाए गए थे या उनकी प्रिंटिंग्स बनाई गई थी और इस गैदरिंग को देखने के बाद ईडो यानी प्रेजेंटेड टोक्यो में कई सारे ऐसे लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स खुल गए जहाँ पर कई डिफरेंट तरीके की हैंड प्रिंटिंग बुक्स रखी जाती थी ये बुक्स कई डिफरेंट टॉपिक्स पे हो सकती थी ऑटोबायोग्राफीज हो सकती थी बुक्स ऑन वूमेंस हो सकती थी ऑन कैलकुलेशन हो सकती थी या किसी हिस्ट्री के ऊपर बेस की बुक्स थी तो इस तरह से जापान में जो प्रिंटिंग कल्चर चाइना से आया था उसको काफ़ी डाइवर्सिफाई कर दिया गया कई डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में उसको यूटिलाइज़ किया गया कई डिफरेंट मटेरियल्स पे इसको अप्लाई किया गया अब जापान के इस प्रिंटिंग कल्चर को डाइवर्सिफाई करने के पीछे एक आदमी का बहुत बड़ा हाथ था वो आदमी कौन था और उसका नाम क्या था और उसने ऐसा क्या किया कि जापान का जो प्रिंटिंग कल्चर था वो इतना डाइवर्स हो गया हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू